हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द हाउस स्पैरो के क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स लेकर आया हूँ। तो हम चलते हैं सेक्शन बी में, और आपके हाथ में अगर टेक्स्ट बुक होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप आसानी से फिर सारे कुछ समझते चलेंगे। तो सेक्शन बी में हम आए, इसमें है लेट्स थिंक एंड टेल, और इसमें बी वन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेज। तो पहला क्वेश्चन है विच स्पैरो हैज अ ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट। तो इसका आंसर है द मेल स्पैरो हैज अ ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट। नंबर टू, व्हाट डू स्पैरोज ईट। तो इसका आंसर है स्पैरोज ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स, टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स एंड कुक्ड फूड। नंबर थ्री में है Where do sparrows build their nests? तो इसका आंसर है Sparrows build their nests on windows, sills, the top of doors and almirahs and in nooks and corners. अब नंबर फोर में है Sparrows like to live with people. Can you guess why? तो इसका आंसर है Sparrows like to live with people because they love company. और नंबर फाइव में है हाउ मैनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट अ टाइम। तो इसका आंसर है द मदर स्पैरो लेज थ्री और फोर एग्स एट अ टाइम। उसके बाद हम सेक्शन बी में चलते हैं। बी टू में है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है स्पैरोज लाइक टू लिव अलोन, तो ये फॉल्स है। दूसरा है स्पैरोज आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, तो इसका होगा ट्रू। और उसके बाद है स्पैरोज आर नॉट फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, तो ये है फॉल्स। और नंबर फोर में है स्पैरोज रेज वन फैमिली इन अ ईयर, तो ये है फॉल्स। अब चले हम सेक्शन सी में, लेट्स थिंक एंड राइट। और इसमें है नंबर वन में लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पैरोज मेंशन्ड इन द लेसन। तो इसका आंसर होगा स्पैरोज लाइक कंपनी, they build their nests wherever they can, most of the time they are found chirping. Number 2 mein ab aate hain, when does a sparrow give pleasure and when does it become a source of nuisance? To iska answer hoga a sparrow gives pleasure by living with people and chirping, but most of the time their chirping becomes a source of nuisance. Ab chale number 3 mein, how is a male sparrow different from a female sparrow? तो इसका आंसर है स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर विथ ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स टुगेदर ऑन देयर बैक एंड साइड्स एंड अ वाइटिश फ्रंट। द मेल स्पैरो इज डिफरेंट एज इट हैज अ ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट। अब हम चले नंबर फोर में, व्हाट डू स्पैरोज लाइक टू ईट। तो इसका आंसर है स्पैरोज लाइक टू ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स, टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो फूड कुक्ड बाय ह्यूमंस। अब हम चलते हैं सेक्शन डी में, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। और इसमें है टिक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ईच रो बिलो, ये डी वन में है। तो स्पेलिंग में हम देखते हैं स्पेलिंग होगा एस पी ए आर आर ओ डब्ल्यू, यह स्पैरो का सही स्पेलिंग होगा। उसके बाद है दूसरा न्यूसेंस, तो इसका स्पेलिंग होगा एन यू आई एस ए एन सी ई। और उसके बाद नंबर थ्री में है ब्राउन, तो इसका स्पेलिंग है बी आर ओ डब्ल्यू एन। नंबर फोर में है फैमिली, तो इसका स्पेलिंग है एफ ए एम आई एल वाई। और नंबर फाइव में है कर्टन्स, तो इसका स्पेलिंग है सी यू आर टी ए आई एन एस। अब हम सेक्शन डी टू में चलते हैं, और इसमें लिखा हुआ है स्पैरोज प्रोड्यूस अ साउंड कॉल्ड चिर्पिंग, व्हाट साउंड्स डू द फॉलोइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, पिक आउट द साउंड्स दे प्रोड्यूस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो अब बॉक्स दिया हुआ है, और बॉक्स में आप देख रहे हैं जितने वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हम मिलान करते हैं। पिक्स के आगे हम लिखेंगे स्क्वील, एस क्यू यू ई ए एल, और फिर फॉक्सेस के आगे हम लिखेंगे येल्प, वाई ई एल पी। पीकॉक्स के आगे हम लिखेंगे स्क्रीम, एस सी आर ई ए एम। बैट्स के आगे हम लिखेंगे स्क्रीच, एस सी आर डबल ई सी एच।
फिर क्रोज, क्रोज के आगे हम लिखेंगे कॉ, सी ए डब्ल्यू। उसके बाद डक्स, डक्स के आगे हम लिखेंगे क्वॉक, क्यू यू ए सी के। उसके बाद है वल्चर्स, वल्चर्स के आगे हम लिखेंगे स्क्रीम, एस सी आर ई ए एम। उसके बाद कैमल्स, कैमल्स के आगे हम लिखेंगे ग्रंट, जी आर यू एन टी। उसके बाद है रैट्स, तो रैट्स के आगे हम लिखेंगे स्क्वीक, एस क्यू यू ई ए के। उसके बाद एप्स है, तो एप्स के आगे हम लिखेंगे जिब, जी आई बी बी ई आर। उसके बाद है चिक्स, तो चिक्स के आगे हम लिखेंगे चीप, सी एच डबल ई पी। उसके बाद है डव्स, तो डव्स के आगे हम लिखेंगे कू, सी ओ ओ। उसके बाद लॉक्स, तो लॉक्स के आगे हम लिखेंगे सिंग, एस आई एन जी। और उसके बाद मंकीज, तो मंकीज के आगे हम लिखेंगे जिब, जी आई बी बी ई आर। अब हम चलते हैं सेक्शन डी के थ्री में, और इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मीन इन द टेक्स्ट, गेस देयर मीनिंग्स एंड देन चेक इन अ डिक्शनरी वेदर व्हाट यू गेस्ड वाज राइट। तो वर्ड्स है और मीनिंग्स है, तो दो कॉलम्स है, तो इन प्लेंटी जहाँ लिखा हुआ है उसके मीनिंग के नीचे हम लिखेंगे ए लार्ज नंबर। उसके बाद है कंपनी एट होम, इसका अर्थ होता है फील कंफर्टेबल। उसके बाद है नुक एंड कॉर्नर, मतलब है एवरीवेयर। और उसके बाद है फॉन्ड ऑफ, मतलब टू लाइक समथिंग वेरी मच। और उसके बाद है सेवरल, तो सेवरल के आगे हम लिखेंगे सम। अब हम आते हैं सेक्शन ई में, लेट्स लर्न ग्रामर। और इसमें लिखा हुआ है ई1 में फिल अप ईच ब्लैंक विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें हम नंबर वन में लिखेंगे अन्वेषा वॉज बॉर्न इन 2000। उसके बाद है नंबर टू, तो नंबर टू में हम देंगे दे आर वेटिंग फॉर द बस। नंबर थ्री में हम देंगे आई विल गो टू द जू विद माय फादर। नंबर फोर में हम लिखेंगे यू कैन फाइंड दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। नंबर फाइव में हम लिखेंगे अनीता वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। उसके बाद नंबर सिक्स में हम लिखेंगे वी विल गो होम बाय बस। नंबर सेवन में हम लिखेंगे द टेबल इज बिटवीन द टू चेयर्स। नंबर एट में हम लिखेंगे अंशु इज लुकिंग एट द मैप। नंबर नाइन में हम लिखेंगे द पिक्चर हैंग्स ओवर माई हेड बेड। और नंबर टेन में लिखेंगे माई फ्रेंड्स डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द कैसल। अब हम आते हैं ई टू में, और इसमें लिखा हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। तो हम इसमें बढ़ते हैं, तो आई एम शुभम, आई लिव इन दरभंगा। In summer, I like to travel to Shimla with my family. Last summer, I took a train from Delhi to Shimla. From the station, we went to our hotel by bus. We stopped at a small restaurant for lunch. The driver parked the bus behind the restaurant. Nobody could find the bus and the driver, so we waited outside the restaurant for 1 hour. The driver was walking through the small park near the restaurant, which we did not know, so we were angry with them, but my holidays were great. तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये लेसन समाप्त करता हूँ, और मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।